नमस्कार, मैं मेघा कौशिक स्वागत करती हूं आप सभी का और आप देख रहे हैं हेल्थ फर्स्ट। दर्शकों, आज हेल्थ फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य उदयपुर अंचल में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वाला सबसे अग्रणी मेडिकल संस्थान है। इस चिकित्सालय के स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट आम मरीजों की खास चिकित्सा के लिए हमेशा तत्पर हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के कैंसर सेंटर की अत्याधुनिक और कारगर चिकित्सकीय सुविधाओं से, जिन्होंने लाखों लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से न केवल निजात दिलाई बल्कि दक्षिणी राजस्थान के अलावा देश के कई राज्यों के मरीजों के लिए यहाँ कैंसर सेंटर आज एक जीवन ज्योति की तरह साबित हो रहा है। आदिवासी बाहुल्य उदयपुर अंचल में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने अपनी स्थापना के साथ ही लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक साकार करना शुरू कर दिया। इस चिकित्सालय के सुपर स्पेशलिटी विभागों की कुशल कार्यप्रणाली ने लोगों को सही मायनों में सस्ती और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इसी कड़ी में गीतांजलि कैंसर सेंटर की स्थापना भी की गई। अपनी स्थापना के साथ ही सेंटर ने अपनी शानदार और दमदार कार्यकुशलता के दम पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को साधारण बीमारियों की तरह दुरुस्त करना शुरू कर दिया। गीतांजलि हॉस्पिटल में कैंसर सेंटर की स्थापना के साथ ही यहां पेशेंट के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की ओर ध्यान दिया गया। इन सुविधाओं में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सर्विस, सपोर्ट ग्रुप सर्विस और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सर्विस जैसी वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कैंसर रोगियों के लिए ज़रूरी होती हैं, जिससे आने वाले रोगियों को एक ही छत के नीचे पूरा इलाज मिल सके। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं गीतांजलि कैंसर सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं से। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सर्विसेज गीतांजलि कैंसर सेंटर इस विधा में प्रमुख थेरेपीज 3D कन्फोर्मल रेडिएशन थेरेपी, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी, इंट्राक्रेनियल स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी, इंट्राक्रेनियल स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, एक्स्ट्राक्रेनियल स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियो थेरेपी, टोटल स्क्रीन इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन थेरेपी, इमेज गाइडेड बेक्र थेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी सर्विसेज, डे केयर फैसिलिटी, इंसेंटिव सपोर्टिव केयर फॉर थेरेपी रिलेटेड टॉक्सिसाइट, सपोर्ट ग्रुप सर्विसेज, पेन क्लिनिक, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कम्युनिटी एक्सटेंशन प्रोग्राम, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सर्विसेज, हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर, गायनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, सर्कोमास, प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल वेनस एक्सेस डिवाइस। गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर में उपलब्ध हर सुविधा के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन इन सुविधाओं के साथ ही मरीजों को अच्छे इलाज के लिए एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जिससे उन सुविधाओं का मरीजों की स्थिति को देखकर सही उपयोग हो सके और उनकी अच्छी देखरेख हो सके। तो आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ मौजूद विश्व प्रसिद्ध चिकित्सकों की टीम से। दरअसल गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंसर सेंटर पर कैंसर की बीमारी के उपचार से जुड़ी हर विधा के विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक बड़ी टीम है, जो हर समय मरीजों की हर संभव मदद के लिए तत्पर रहती है। यही नहीं, ये विशेषज्ञ चिकित्सक देश और दुनिया के कई नामी गिरामी मेडिकल संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो आइए आपको सबसे पहले मिलवाते हैं गीतांजलि कैंसर सेंटर के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग से जुड़े वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AR गुप्ता से। मैं सन 79 से कैंसर रोगियों की विकिरण के द्वारा चिकित्सा कर रहा हूं और मैंने इस साइंस को, विकिरण चिकित्सा की साइंस को, बहुत इनिशियल स्टेज से और बहुत एडवांस स्टेज तक होते डेवलप होते हुए देखा है। जो हमारे गीतांजलि कैंसर सेंटर है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर कैंसर रोगियों की चिकित्सा के लिए एक विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर इस रोग की चिकित्सा के लिए
अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसमें हर प्रकार के रोगी का इलाज किया जा सकता है। विकिरण जो चिकित्सा है वो कैंसर रोगियों के इलाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो 80% रोगी होते हैं उनको किसी न किसी स्टेज पे विकिरण चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो क्यूरेटिव फॉर्म में हो या पैलिएटिव फॉर्म में हो। जो हमारा इंडिया है, कंट्री है, उसके अंदर जो कैंसर के रोगी आते हैं, पुरुषों के अंदर जो मुंह का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, वो प्रमुख हैं, और महिलाओं के अंदर स्तन रोग और बच्चेदानी के मुंह के, जो जिसको हम चिकित्सकीय भाषा में सर्विक्स बोलते हैं, उसके कैंसर मुख्य हैं। जो गीतांजलि कैंसर सेंटर है उसमें इस रोग की चिकित्सा के लिए शल्य चिकित्सा, विभिन्न औषधियों द्वारा चिकित्सा एवं विकिरण द्वारा चिकित्सा की पूर्णतया की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि हमारे यहाँ विकिरण चिकित्सा में 4D सीटी स्कैन है, अत्याधुनिक प्लानिंग सिस्टम है, लीनियर एक्सीलेटर मशीन है, उसमें हर तरह के अटैचमेंट हैं जिससे हर तरह के रोग का इलाज किया जा सकता है, एवं ब्रेकिथेरेपी की मशीन है जिससे हम बहुत प्रिसाइज ट्रीटमेंट रोगियों का कर सकते हैं। वर्तमान में हम 2,000 से 3,000 रोगियों का प्रतिवर्ष इलाज कर रहे हैं, और ज़्यादातर रोगियों जो हमारे द्वारा चिकित्सा किए गए रोगी हैं वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो कुछ तो क्या है कि जो अलग अलग जगह के कैंसर हैं उनका जो कॉजेटिव फैक्टर है वो अलग अलग होता है, क्योंकि एक तो हमारे जो आप देखते हैं कंट्री के अंदर, एक तो लोगों को गुटखा तम्बाकू इत्यादि जो खाने की आदत है वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा गांवों के अंदर बीड़ी पीने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। जितने भी कैंसर हैं उनमें लगभग 33% 1/3 जो कैंसर हैं उनका जो मूल कारण है वो तम्बाकू का किसी न किसी प्रकार से सेवन है, चाहे उसको हम सूंघ कर करें, चाहे उसको गुटखे के रूप में उसका सेवन करें। इसलिए वजह से जो हमारे रोगी आते हैं उनमें से लगभग 40% जो कैंसर होते हैं वो मुंह से रिलेटेड होते हैं। दूसरा, महिलाओं के अंदर स्तन के कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर जो होते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें अनुवांशिक कारण से लगाकर रेडिएशन और दूसरा प्रमुख है। जो हमारे पास इलाज के लिए जो जैसे शल्य चिकित्सा है तो उसके लिए हमारे पास अत्याधुनिक मॉड्यूलेटर थिएटर हैं, जिनमें रोगी को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और दूसरे जो हमारे ऑपरेटिंग सर्जन और दूसरा स्टाफ है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और अपने काम में बड़े ही दक्ष हैं। जो हमारे रेडियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है, विकिरण चिकित्सा का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो हमारे पास लीनियर एक्सीलेटर की मशीन है वो 3rd generation मशीन है, जिसमें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जिसको हम हमारी भाषा के अंदर 3D CRT, IMRT, IGRT, फंक्शनल रेडियो सर्जरी, स्टीरियोटेक्टिक रेडियो सर्जरी इत्यादि बोलते हैं। उस तमाम तरह की सुविधा इसके अंदर उपलब्ध है जिससे हम रोगी का उपचार बहुत ही सटीक तरीके से कर सकते हैं, और आप ये इस मेरी बात से सहमत होंगे कि जब हम रोगी का इलाज सटीक तरीके से करेंगे, पिन पॉइंट तरीके से करेंगे, तो निश्चय ही रोगी को उसकी उपचार से फायदा होगा और वो रोग से मुक्त हो जाएगा। तो आपने डॉक्टर A.R. गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को सुना। गीतांजलि हॉस्पिटल में डॉक्टर किस तरह से मरीजों को हर संभव मदद देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं ये उन्होंने बताया। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और मिलवाएंगे यहाँ की टीम के अन्य डॉक्टर्स से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। गीतांजलि हॉस्पिटल ने अपनी शुरुआत से ही देश के विख्यात डॉक्टर्स को अपॉइंट किया है, जिसकी वजह से मरीजों का भरोसा गीतांजलि हॉस्पिटल पर बढ़ता चला गया। गीतांजलि चिकित्सा के क्षेत्र में आज एक बड़ा नाम बन गया है। यहाँ मौजूद वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से मरीजों को इलाज करवाने में आसानी होती है। डॉक्टर्स और इन सुविधाओं के कॉम्बिनेशन ने गीतांजलि हॉस्पिटल को देश के अग्रणी क्षेत्र के हॉस्पिटल्स में लाकर खड़ा कर दिया है।
यहाँ विश्व के बड़े बड़े संस्थानों से आकर चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गीतांजलि हॉस्पिटल में कैंसर सेंटर के चीफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष भी अपने बड़े अनुभव के दम पर कैंसर पीड़ितों की चिकित्सा में सदैव तत्पर हैं। मेरे साथ दो मेरे कलीग और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में काम कर रहे हैं, डॉक्टर अरुण पांडे एंड डॉक्टर शांतनु। हम तीनों हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं और सबसे यूनिक बात यह है कि हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में अपने यहाँ हर तरह की सर्जरी पॉसिबल है और वो कर रहे हैं, चाहे वो मुंह का कैंसर हो। मुंह के कैंसर के लिए हम हर प्रकार की सर्जरी कर रहे हैं जिसमें फ्री फ्लैप भी शामिल है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि हमारा अराउंड 50% वर्कलोड मुंह के कैंसर से रिलेटेड है, जो कि आसपास के एरिया के पेशेंट्स आते हैं। टोबैको यूज़ काफ़ी कॉमन है, उसकी वजह से ही मुंह का कैंसर काफ़ी कॉमन है और हम काफ़ी सक्सेसफुली उसे ट्रीट कर रहे हैं। कुछ यूनिक चीज़ों की बात करें तो फूड पाइप का कैंसर अपने एरिया में काफ़ी कॉमन है, अगेन ड्यू टू दी स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। और फूड पाइप के कैंसर के लिए हम सारी सर्जरी हमारे यहाँ दूरबीन द्वारा, जिसे वेट्स इसोफेजेक्टमी कहते हैं, उसके द्वारा कर रहे हैं और ये ऑपरेशन हम पिछले 1.5 साल से लगातार कर रहे हैं और 1.5 साल में अराउंड 20 पेशेंट्स वेट्स इसोफेजेक्टमी हमारे पास करा के गए हैं, जो कि आई थिंक साउथ राजस्थान में केवल हम लोग ही कर रहे हैं। उसके अलावा फेफड़ों के कैंसर की सर्जरी भी हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। फीमेल्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर अपने एरिया में काफ़ी कॉमन है, अगेन ड्यू टू दी पुअर मेंटेनेंस हाइजीन, फीमेल्स ध्यान नहीं रखती उसके बारे में। तो उसके लिए पहले ओपन सर्जरी की जाती थी यूट्रस के लिए, अब वो हम लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं और कोशिश रहता है कि हम लेप्रोस्कोपी द्वारा ही ये सर्जरी करें। उसके अलावा काफ़ी सारे कैंसर्स में, लैटिन के रास्ते का कैंसर हो गया, जहाँ लेप्रोस्कोपी का रोल है, हम वो सर्जरी लेप्रोस्कोपी से कर रहे हैं ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर हो, जल्दी घर जाए और जल्दी अपनी एक्टिविटीज शुरू कर पाए जिससे कि पेन कम रहे। फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर भी हमारे आसपास बेल्ट में काफ़ी कॉमन है। अनफॉर्चुनेट ये है कि पेशेंट काफ़ी एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं, बट अच्छी बात यह है कि एडवांस स्टेज के बाद भी इस कैंसर का सक्सेसफुल इलाज संभव है और वो इलाज कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी और सर्जरी के द्वारा किया जाता है। इसमें जो एक नई टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं हाईपैक टेक्निक, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, जो केवल अभी तक मेट्रो सिटीज़ में ही अवेलेबल थी, वो सर्जरी हमने अपने यहाँ स्टार्ट कर दी है। ये एक एक्सटेंसिव सर्जरी है जिसमें 8 से 10 घंटे लगते हैं और जहाँ जहाँ डिजीज स्प्रेड हो चुकी है हम उस सारे पार्ट को निकाल देते हैं। उसके बाद एक स्पेशल मशीन के थ्रू 42 डिग्री टेम्परेचर रखते हुए कीमोथेरेपी ऑपरेशन के दौरान ही 1-1.5 घंटे पेट में सर्कुलेट की जाती है, ताकि जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ जो हमें नहीं दिख रही थी वो भी उस कीमोथेरेपी से हाई टेम्परेचर पे देने के कारण ख़त्म हो जाए। और ऐसी एक्सटेंसिव सर्जरी के लिए एक डेडिकेटेड सेटअप चाहिए जो हमारे यहाँ मौजूद है। उसके बाद पेशेंट को कुछ दिन आईसीयू में रहना पड़ता है, अच्छी आईसीयू केयर चाहिए, अच्छा सपोर्ट चाहिए डाइटिशियन के द्वारा, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, तभी जाके हम ऐसी सक्सेसफुल सर्जरी से बेस्ट आउटकम अचीव कर सकते हैं और हम रूटीनली ये सर्विस हमारे यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। कैंसर सेंटर के डॉक्टर अंकित अग्रवाल बतौर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम यहाँ पे कैंसर का जो इलाज करते हैं वो 3 तरीके से इलाज करते हैं, एक होता है कीमोथेरेपी, एक होता है रेडिएशन और एक होता है सर्जरी। मैं यहाँ आपसे कीमोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा आपको, कीमोथेरेपी क्या चीज़ है, उसको कैसे देते हैं, उससे क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उसका क्या रिज़ल्ट आता है। बेसिकली कीमोथेरेपी हम उन इंजेक्शंस को बोलते हैं जिनसे कैंसर ख़त्म होता है या जिनसे कैंसर बर्डन जो है वो कम हो जाता है। हमारे पास कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस भी हैं, कीमोथेरेपी के टैबलेट्स भी आती हैं और आजकल जो नया ट्रीटमेंट आया है फॉर्म्स, वो आया है टारगेटेड थेरेपी का। कई सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें हम सिंपल्स टैबलेट्स देके ही कैंसर को पूरी तरह से कंट्रोल या ख़त्म कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा कैंसर है, उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि पेशेंट को कौन से टाइप का टारगेट थेरेपी चाहिए, जिसमें हम टैबलेट्स भी देते हैं और इंजेक्शन से भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम यहाँ गीतांजलि कैंसर सेंटर में ट्यूमर बोर्ड के द्वारा पेशेंट्स का पूरा तरीके से डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके
तीनों टीम जो है हमारी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, तीनों टीम एक साथ बैठकर डिसीजन लेती है कि पेशेंट का किस तरह से इलाज करना चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ आता है, नया केस है, जिस उसका हम सबसे पहले ट्रीटमेंट डिसीजन लेते हैं ट्यूमर बोर्ड की डिस्कशन और मीटिंग करने के बाद, जिससे कि पेशेंट को पूरी संतुष्टि हो जाती है कि उसका उसको क्या बीमारी है, उसका कितना लंबा इलाज चलेगा और कितने टाइम बाद उसको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। कीमोथेरेपी के बारे में अगर और डिस्कस करें तो कीमोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स हैं लोगों में कि कीमोथेरेपी बहुत डेंजरस होती है। क्या होता है कीमोथेरेपी, इसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। कीमोथेरेपी हम सिंपल भाषा में बोलें तो सिंपल इंजेक्शंस हैं जो हम ड्रिप में लगाते हैं। करीब करीब 4-5 घंटे का इंजेक्शन होता है जो 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन में एक बार लगता है। कीमोथेरेपी से रिलेटेड अगर अपन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कभी कभी पेशेंट्स के अंदर उल्टी होना, जी खराब होना, दस्ते होना या बाल जाना, ये सब हो सकता है। लेकिन ये सब टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इन सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी टैबलेट्स अवेलेबल है जिनको हम बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। कैंसर का इलाज जो है वो भामाशाह स्कीम में बहुत पूरा फ्री मिलता है। भामाशाह स्कीम जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखा है कि 3 लाख रुपये तक का इलाज आप कैंसर में फ्री कर सकते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर हम पूरा के पूरा इलाज भामाशाह के स्कीम के अंदर फ्री कर देते हैं। ये एक राजस्थान गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स को इससे फ़ायदा हुआ है और पेशेंट्स का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो फ्री हो गया है। कैंसर रोग के इलाज में विकिरण चिकित्सा पद्धति यानी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक महत्वपूर्ण विधा है और ऐसे में इन रेडिएशन का शरीर के अन्य हिस्सों पर प्रभाव ना हो, इस लिहाज से कैंसर सेंटर पर अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय मशीनों का उपयोग किया जाता है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि गीतांजलि कैंसर सेंटर में रेडिएशन से इलाज करने के लिए सबसे उन्नत मशीन है जिसका नाम है इलेक्ट्रा वर्सा HD। ये मशीन रेडिएशन मशीन्स में सबसे एडवांस्ड और सबसे लेटेस्ट मशीन है और इसमें जो तकनीक जो है विश्व में जितनी भी तकनीक है सबसे लेटेस्ट तकनीक्स, वो सारी तकनीक इसमें अवेलेबल है। उनमें से ख़ास तौर पे मैं जोर देना चाहूँगा जो तकनीक है उससे कहते हैं रेडियो सर्जरी, यानी कि स्टीरियोटेक्टिक रेडियो सर्जरी। हालांकि इसके नाम में सर्जरी आता है लेकिन ये एक बिल्कुल नॉन इन्वेजिव, यानी कि इसमें कोई भी तरह का चीरा या खून की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना कोई चीरा लगाए इसमें हम बीमारियों का इलाज करते हैं, इसको रेडियो सर्जरी तकनीक कहते हैं। ये एक OPD प्रोसीजर है, मरीज आता है बिना किसी एडमिशन के, OPD के तौर पे एडमिशन के बिना ही इलाज होके वापस चला जाता है और ये काफ़ी प्रभावी है, ख़ास तौर से ब्रेन ट्यूमर्स में, स्पाइन ट्यूमर्स में, लिवर में और लंग ट्यूमर्स में। इसके अलावा जो तकनीक है हमारे पास वो IGRT कहलाती है। ये एक नवीनतम तकनीक है जिससे हम कैंसर्स का इलाज करते हैं। सभी तरह के कैंसर हम यहाँ इलाज करते हैं जिसमें कि ब्रेन से लेकर हेड एंड नेक, ब्रेस्ट, लंग, पेल्विस यानी कि बच्चेदानी का कैंसर, पेट के कैंसर और सभी तरह के कैंसर्स का IGRT के द्वारा हम इलाज करते हैं। हमारे पास जो रेडिएशन देने के लिए तकनीक है उसको VMAT कहते हैं, जो कि एक प्रभावी तकनीक है तथा उसकी खास बात यह है कि इसमें सिर्फ कुछ ही मिनटों में रेडिएशन हो जाता है। आमतौर पर 2 से 3 मिनट में ही रेडिएशन हो जाता है और पेशेंट्स को तकलीफ कम होती है। जो बात तकनीक की है उसके अलावा हम ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो मशीन है उसमें एक ब्रेकीथेरेपी की मशीन भी है जिसके द्वारा हम जो ट्यूमर होता है सिर्फ ट्यूमर को हम ट्रीटमेंट करते हैं और बाकी के आसपास के एरिया को बिल्कुल भी रेडिएशन या हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता है। ब्रेकीथेरेपी में हम आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम एकमात्र एक सेंटर हैं राजस्थान में जहाँ पर सभी तरह के ब्रेकीथेरेपी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और हम रूटीनली कर रहे हैं। बच्चेदानी का कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे एनल कैनाल का हो, या फिर ईसोफेगस यानी कि भोजन नली का कैंसर हो, इसके अलावा भी हम हेड एंड नेक की भी इंटरस्टिशियल रेडियोथेरेपी ब्रेकीथेरेपी कर रहे हैं और ये बहुत ही एक ऐसी तकनीक है जिससे हम मुँह के कैंसर्स का एक अच्छे प्रभावी तंग से ठीक कर सकते हैं। इंटरस्टिशियल ब्रेकीथेरेपी एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि काफ़ी कम सेंटर्स में अवेलेबल है पूरे भारत में और गीतांजलि कैंसर सेंटर उनमें से एक है।
मरीज जब हॉस्पिटल में आते हैं तब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्यार, अपनापन और विश्वास की। सामान्यतः मरीजों को हॉस्पिटल में सुविधाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन वो अपनापन और प्यार नहीं मिलता जिससे मरीज और उनके परिजन इलाज पर विश्वास कर सके। लेकिन ये भ्रम तोड़ा है गीतांजलि हॉस्पिटल ने। यहाँ आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इलाज से पहले चिकित्सकों और काउंसलर की एक विशेष टीम करती है काउंसलिंग। यही नहीं, गीतांजलि कैंसर सेंटर का सबसे खास हिस्सा है गीतांजलि ट्यूमर बोर्ड, जिसमें कैंसर बीमारी के इलाज की सभी विधाओं से जुड़े विशेषज्ञ चिकित्सक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मरीज और उसके परिजनों के साथ चर्चा करते हैं। ट्यूमर बोर्ड की खासियत ये है कि इस बोर्ड में मेडिसिन, सर्जिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ निर्धारित करते हैं कि किस मरीज के लिए कौन सा इलाज लाभदायक रहेगा। गीतांजलि कैंसर सेंटर के विश्व स्तरीय मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल आईसीयू इस सेंटर की चिकित्सा पद्धति को और ज्यादा कारगर बनाते हैं। तो आज के लिए हेल्थ फर्स्ट में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।